अब उस नाजुक हुसैन साहब ने कहा मैं आपको 10 साल की सजा सुनाता हूँ। इस पे खान साहब की रिस्पॉन्स भी एक लंबा सा कैका और वो अदालत से बाहर आ गई। इस देश में निजाम की क्या बात हुई है, मुजरिम है कोई और सजा किसको मिली है। वो जिसने अपनी उम्र लगा दी है वतन पे, मट्टी से मोहब्बत की सजा उसको मिली है। मेरा ये घर है, ये मेरा घर है, मैं क्यों छोड़ के जाऊं। एक कैदी जो आजाद है, बेगर्ज़ो बेनियाज है, हर बात दिल के सामने जो हौसलों की परवाज है, हौसलों की परवाज है। हौसला रखना, आपका कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। आजादी का नारा होगा, वोट से अब के बदला होगा, वोट इंसाफ का चेहरा होगा, वोट पे गहरा पहरा होगा। हक के अलमदार है, धरती के जिम्मेदार है, इमरान खान के वोटर है, पहरेदार है, वोट के पहरेदार है। क्या हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Absolutely not। तारी का दावा होगा, वोट हमारा फैसला होगा, वोट इंसाफ का चेहरा होगा, वोट पे गहरा पहरा होगा। साहिबे किरदार के, मट्टी के सच्चे लाल के, कैदी 804 के, हाँ हम कर्जदार हैं, हाँ हम कर्जदार हैं। वोट हमारा बदला होगा, वोट हमारा हलवा होगा, वोट इंसाफ का चेहरा होगा, वोट पे गहरा पहरा होगा। मेरे पाकिस्तानियों, आप मेरी टीम है, आपने एक एक दरवाजे पे एक ही चीज कहनी है कि ये आपके आपके बच्चों के इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आजादी की जंग है। परवाना जिसको जान की है, बस है तो पाकिस्तान की है, उसको ना झुकने देना है, और वोट हम सब ने देना है, और वोट हम सब ने देना है। वोट से अब के बदला होगा, वोट हमारा हलवा होगा, वोट इंसाफ का चेहरा होगा, वोट पे गहरा पहरा होगा। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुझे 10 दलेर और बाशऊर नौजवान चाहिए पहरा देने के लिए।